तो दोस्तों, आज भारत की तरफ से कुछ ऐसा फैसला लिया गया है जो कि मालदीव जैसे देशों के लिए एक बड़ा सबक है, जो कि भारत को एक बुरा देश समझते हैं और खुद को भारत से दूर करने में लगे हुए हैं। दरअसल आप सब यदि हमारे पुराने व्यूअर हो गए तो आप सभी को पता होगा कि पिछले साल हमने आपको एक खबर दी थी कि इंडोनेशिया, जो कि भारत का एक अहम साझेदार है, उसने भारत को पाम ऑयल देने से साफ इनकार कर दिया था और ऑयल के एक्सपोर्ट पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। और पिछले साल जो आप सभी ने 200 रुपए प्रति लीटर से भी ज्यादा की कीमत के अंदर खाद्य तेल खरीदा था, वो सब इंडोनेशिया की बदौलत ही हुआ था, क्योंकि इंडोनेशिया से करीब 40 लाख टन का पाम ऑयल हर साल हम इंपोर्ट करते हैं। परंतु आज वही साल है, वही इंडोनेशिया है और वही भारत है, जब इंडोनेशिया के अंदर चावलों की किल्लत मच चुकी है, तो भारत ऐसे में इंडोनेशिया की मदद करने के लिए अपने प्रतिबंध तक तोड़ के आगे आया है, क्योंकि भारत ने अपने चावल एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा रखे हैं, परंतु फिर भी भारत सरकार की तरफ से 5 देशों के लिए 9 लाख टन चावल को एक्सपोर्ट करने का फैसला लिया गया है, जो कि मालदीव जैसे देशों की जो नई सरकार बनी है उनके लिए सीधा संदेश है कि भारत कोई बुरा देश नहीं है। यदि भारत के साथ कोई बुरा भी कर देता है कोई देश या फिर कोई व्यक्ति, और यदि वो संकट में भारत से मदद मांगता है, तो भारत उस देश या फिर उस व्यक्ति की मदद करने के लिए तैयार है। और इसलिए भारत इंडोनेशिया को 2 लाख टन, भूटान के लिए करीब 50,000 मेट्रिक टन, इसके अलावा माली के लिए 6 महीनों में 5 लाख टन और गाम्बिया के लिए 1 लाख टन चावल एक्सपोर्ट कर रहा है, वो भी भारत के चावल एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने के बाद भी। पर आप सभी को क्या लगता है, और अभी मालदीव भारत से चावल एक्सपोर्ट पर काफी ज्यादा निर्भर है और हर साल करीब हमसे 15.3 मिलियन डॉलर का चावल हर साल इंपोर्ट करता है, और यदि इस समय आपके हिसाब से यदि मालदीव भारत से चावल इंपोर्ट करना चाहता है तो क्या भारत को मालदीव को चावल देना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में। फिर आप स्थिति का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।